भगवान राम का मंदिर मैंने नहीं बनवाया है, 3.5 करोड़ गरीबों को पक्का मकान मैंने नहीं दिया है, 6,000 रुपया साल में जो किसान है उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मैंने नहीं दिया है। कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में जो हम सब काम कर रहे हैं आपके मार्गदर्शन में कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा यह सब काम मैं नहीं कर रहा हूं। जम्मू काश्मीर से भारत 370 मैंने नहीं हटाई है। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर मैंने नहीं बनवाया है। 3.5 करोड़ गरीबों को पक्का मकान मैंने नहीं दिया है। 6,000 रुपया साल में जो किसान है उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मैंने नहीं दिया है। महिलाओं का सशक्तिकरण मैंने नहीं किया है। सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक मैंने नहीं किया है। गरीबी मिटाओ का नारा देकर के केवल गरीब को गरीब बनाने का काम करने वाले चले गए और भ्रष्टाचार मुक्त भारत आज आगे बढ़ाओ का काम मैंने नहीं किया। मैं चौंक रहा था कि क्या बात है। उन्होंने कहा मैं सुनने के लिए बेताब था कि आगे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। उन्होंने अगली बात जो कही वह सुन करके आपको भी लगेगा कि ऐसा प्रधानमंत्री शायद दुनिया के किसी देश के भाग्य में नहीं है जैसा प्रधानमंत्री हमें मिला है। उन्होंने कहा यह सब जो अच्छा से अच्छा काम आज हिंदुस्तान में हो रहा है वो मैंने नहीं किया है, मेरे देश के गरीबों ने, मेरे देश के किसानों ने, मेरे देश के पिछड़ों ने, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के लोगों ने किया है। मैंने कहा वो कैसे। उन्होंने कहा अगर वो अपने घर से जिस दिन और बाबा का निकल करके मतदान केंद्र पर नहीं जाते और कमल के फूल की बटन नहीं लगाते तो नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता और जो काम आज मैं कर रहा हूँ वह काम नहीं कर पाता। इसे जो भी काम अच्छा से अच्छा हो रहा है उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरे आप सब भाई बहनों को जाता है, आप सब किसानों नौजवानों माताओं को जाता है। ये काम किसने किया वो आपने किया या मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। करोड़ों गरीबों के घर में गैस का कनेक्शन पहुंचा बिना पैसा दिए वह किसने किया तो कहते मोदी जी ने नहीं किया, या तो आप सब लोगों ने किया है। जिन घरों में पहले बिजली की रोशनी नहीं पहुंची थी उन घरों में बिजली का कनेक्शन सौभाग्य योजना से किसने दिया तो मोदी जी कहते मैंने नहीं दिया, बल्कि आप सब लोगों ने कमल की बटन दबाई, खुशहाली की बटन दबाई, विकास की बटन दबाई, देश की सुरक्षा की बटन दबाई, देश के अर्थव्यवस्था की बटन दबाई, इसलिए यह सब हो पा रहा है। 2024 के चुनाव में ध्यान रखना, जैसे 2019 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, सपा बसपा मिल गए, उसमें राष्ट्रीय लोकदल मिल गया, कांग्रेस मिल गई, सरकार मिलकर के क्या लक्ष्य था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना, यही लक्ष्य था कि कोई दूसरा लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? इनका लक्ष्य था कि मोदी जी को पीएम नहीं बनने देना। क्यों नहीं बनने देना? क्योंकि मोदी जी भ्रष्टाचार रोक करके गरीबों के जीवन में खुशहाली के लिए काम करते हैं। मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी है। ये जितना बड़ा पांडाल है ना, इतने बड़े बड़े पांडाल भर के 2,000 के नोटों की गड्डियां, सोने की सिल्लियां, चांदी की सिल्लियां आपके को और गरीब हैं तो और गरीब बनाने के लिए 60 साल तक इस देश को लूटने का काम जिनने किया आज उनके यहाँ छापा पड़ता है और सब बरामद होता है। सब सोचते हैं कि मोदी जी को किसी को छोड़ेंगे नहीं और कहते भी हैं कि मैं ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा और जिसने भी खाया है उसको भी वसूल करके मैं अपने गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए उसे भी योजना बना करके खर्च करने का काम करूंगा।